नहीं, हमें धुली हुई मूंग की दाल का चीला बनाना है। और इसमें देखिए मैंने मसाला पनीर स्टफिंग किया है, अगर बनाना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मूंग दाल का चीला हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मैं आज आपको धुली हुई मूंग का चीला बनाना सिखाऊंगी। मैंने आपको साबुत मूंग का चीला बनाना सिखाया था। धुली हुई मूंग को देखिए आपको 4 से 5 घंटा फुलाना है। आप चाहें तो उसको 5 घंटे भी फुला सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से वॉश करके इसमें आपको हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े डालने हैं। दो मैंने यहाँ पर क्यूब्स लिए अदरक के, आप देख सकते हो। इसको आपको इसमें डाल देना है। थोड़ी सी आपको प्याज इसमें डालनी है और बाकी प्याज आपको जब इसका बैटर बन जाएगा तब डालना है। बने रहो मेरे चैनल पर। और ये बहुत ही हेल्दी होता है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। चाहे आप धुली हुई मूंग का बना चाहे साबुत मूंग का बना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बने रहो मेरे चैनल पे। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी। इसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें इसमें मिलाऊँगी। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए आपको बहुत गाढ़ा और बहुत पतला बैटर भी नहीं रखना है। ये देखिए मैंने हल्का भुना हुआ जीरा लिया, इसमें आपको भुना हुआ जीरा थोड़ा सा डालना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा भुनना है। और ये देखिए चॉप किया हुआ प्याज इसमें मैं डालूँगी। मैंने एक प्याज को कट किया था जिसमें से थोड़ा सा प्याज मैंने उसको ग्राइंड करते समय दिया है। ये मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, जैसा भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हो वैसे स्वादानुसार इसमें नमक डाल दीजिए। और इन सभी चीज़ों को मिला के हम 10 से 20 मिनट इसको रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता की चटनी बनाइए, चाहे तो आप इसमें मूंगफली की बनाइए चटनी, या फिर आप कोकोनट बनाइए, कोई भी चटनी इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं इसमें मूंगफली की चटनी बनाऊँगी, तो बने रहो मेरे चैनल पर। तब तक मैं इसको सबको मिला लेती हूँ और इसको 10 मिनट में रख देती हूँ रेस्ट पे। ये बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी चीला होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस चीले को भी। बस इसमें याद रखिए कि आपको जीरा हल्का सा भुना हुआ इसमें डालना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। नॉन स्टिक बर्तन चढ़ा दिया है या पैन चढ़ा दिया है, इसमें आपको नॉन स्टिक पैन ही लेना है। और इसमें देखिए मैंने चीले को डाल दिए हैं। मैं अगला आपको उसमें बताऊँगी किस तरह से चीले को डालते हैं। और हल्का सा आपको इस पर ऑयलिंग करनी है, हल्का सा जिससे अच्छे से पक जाए। और यहाँ देखिए मेरे लिए मसाला पनीर बनाया था, मैं ये कच्चा मसाला पनीर मैंने बनाया। आप जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हो तो मैंने कैसे बनाया है। तो आपको इसमें इसकी थोड़ी सी स्टफिंग करनी है। अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हो तो नॉर्मल भी खा सकते हो। तो इसमें बस आपको प्याज डालना होगा क्योंकि पहले से ही मसाला डल के ये बनता है। तो ये देखिए मैंने इसकी थोड़ी सी स्टफिंग ली है। मैं आपको नॉर्मल भी बना के दिखाऊँगी और इस तरह से भी दिखाऊँगी। और आपको इस तरह से नॉन स्टिक पैन को करना है। और इस तरह से आपको अभी चीला थोड़ा सा होगा, अभी अच्छे से हुआ नहीं। ये देखिए अभी ये पक रहा है। और यहाँ देखिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखिए मैंने चीले की चटनी तैयार कर दी है। अगर आपको भी बनानी है चटनी चीले वाली तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैंने ये चटनी कैसे तैयार की है। ये देखिए और यहाँ देखिए हमारा चीला हो रहा है। इसको हम पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाएंगे और थोड़ा सा ऑयलिंग डालेंगे हल्का सा। और ये बहुत सॉफ्ट बनता है। आप इसको लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं या कहीं आप सफ़र कर रहे हो। ये बहुत हेल्दी है, स्पेशली ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको भी बेबी हुआ है और उनको बहुत चीज नहीं खाना है तो वो भी खा सकती है क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्दी है और बाकी लोगों के लिए तो है ही हेल्दी। ये देखिए अब इसको मैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाऊँगी और गैस की फ्लेम को मैं 2 पे कर दे रही हूँ। बीच बीच में आपको फ्लेम को कम और ज़्यादा करते रहना है। और दूसरी तरफ से भी पकाएंगे, उसके बाद मैं स्टफिंग करके आपको दिखाती हूँ। बने रहो मेरे चैनल पे। और ये बहुत अमेजिंग बनता है। अब देखिए दूसरी तरफ से भी इसको हम पलट देंगे। और ये देखिए हम अच्छी तरह से पक चुका है। और जो मैंने कच्चे पनीर का जो मसाला पनीर बनाया था, फ्लेवर्ड कच्चा पनीर बनाया था, उसकी स्टफिंग हम इसमें डाल देंगे। आप इसको नॉर्मल भी खा सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो। ये देखिए इसके बाद हम इसको इस तरह से दोनों तरफ से देखिए, ये आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसको बीच से कट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप इसको बीच से कट भी कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। आप इसको बीच से कट कर दीजिए। इधर से
भी थोड़ा सा बता लीजिए, जैसे जो इसमें स्टफिंग है ना वो अच्छी तरह से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। ये देखिए, और ये बहुत हेल्दी है, देखिए ये हमारा बन चुका है। अब मैं अगला स्टेप आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल मिक्स कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे मिश्रण तैयार किया है उसको डालिए इस तरह से, और फिर आप इसको इस तरह से रोटेट कर दीजिए जितना भी आपको मतलब चिल्ला चाहिए। यह देखो मूंग दाल का चिल्ला, ये बहुत ही हेल्दी होता है खाने में भी और स्वाद में बहुत लाजवाब होता है। ये देखो, गैस का फ्लेम को आप तेज कर दीजिए, चार पे मैंने कर दिया है और इसको थोड़ा देर पकाना है। अब देखिए इसमें किनारे से थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, अच्छे से पक जाए। अब देखिए मैंने इसको दूसरी तरफ से पलट लिया, मैंने गैस की फ्लेम को दो पे कर दिया है और मैं हल्का सा ऑयलिंग इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका दिया है। अब मैं इसको चाहे तो ऐसे नॉर्मली आप निकाल दीजिए, तो जो मसाला वाला आपने स्टफिंग लिया है उसको इस तरह से आप कर दीजिए और फिर इसको आप इस तरह से पलट दीजिए और फिर इसको पकने दीजिए, जैसे कि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो अच्छे से थोड़ा सा हो। देखिए आप इसको बीच से कट कर दीजिए और ये हमारा चिल्ला बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।